हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। जो सभी बच्चे थे वो क्या हो गए, चौंक गए। स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंक जाना, टक की आवाज सुनकर। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। ये जो टक का साउंड था वो कहाँ से आया था, सीलिंग फैन से आया था। सीलिंग फैन जो अपने घरों में छत पर पंखे लगे हुए तो होते हैं उनको बोलते हैं। कल्याणी शाउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्टेड। कल्याणी बोलती है देखो वो जो बर्ड है वो हर्ट हो चुकी है, मीन्स इंजर हो चुकी है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। पीटर जो था उसने क्या किया, बर्ड को पकड़ा। इट वॉज इन पेन, जो बर्ड थी वो दर्द में थी। पेन मीन्स होता है दर्द। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। जो नवजोत और अली होते हैं वो जल्दी से क्या करते हैं, एक बोल में पानी लेकर आते हैं। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। पीटर जो था उसने बहुत प्यार से, पेटेड मीन्स होता है थपथपाना, उसने क्या किया उस बर्ड को थपथपाया। दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक। और उन्होंने क्या किया, जो बोल था उसको बर्ड की चोंच के आगे रख दिया। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैप पिंग इट्स विंग्स। फिर वो क्या करती है बर्ड, उसने थोड़ा सा पानी पिया और धीरे धीरे अपने जो विंग्स थे उनको हिलाना शुरू किया। फ्लैपिंग मीन्स होता है हिलाना। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रेन टू मूव बैक। नवजोत ने सभी बच्चों से पीछे जाने को कहा। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन बच्चों ने नोटिस किया कि जो बर्ड थी वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो बर्ड थी वो उड़ गई। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। नेक्स्ट डे क्या होता है, बच्चे एक बर्ड को देखते हैं जो कि उनके ऊपर गोल 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 घूम रही होती है क्लासरूम में। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। वो बच्चे ये कोशिश करते हैं पता लगाने की क्या ये वही बर्ड है जो कल इंजर हुई थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन बच्चों ने क्या किया, जल्दी से पंखा बंद किया और ताली बजाने लगे। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब अपन को यहाँ पे स्टोरी जो अपन ने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को अपन को नंबर वाइज जमाना है। तो फर्स्ट क्या हुआ था, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। उन्होंने देखा कि उनके उनके क्लासरूम में एक बर्ड सर्कल ले रही है उनके ऊपर। फिर क्या होता है, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ फैन। फिर जो बर्ड थी वो अपने आप को फैन से हर्ट कर लेती है। थर्ड क्या होता है, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। फिर क्या होता है, नवजोत और अली पानी लेकर आते हैं कटोरे में। फिर पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। फिर जो पीटर होता है वो बर्ड को थपथपाता है। फिर लास्ट क्या होता है, द बर्ड फ्लू अवे। और फिर बर्ड उड़ जाती है लास्ट में। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, अ कैट हैड गिवन बर्थ टू द फोर किटन्स इन द कर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। शंकर बहुत खुश था, एक कैट ने किटन्स, जो बिल्ली के छोटे बच्चे होते हैं उनको किटन्स बोलते हैं, उसके आंगन में, कर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन में, चार बच्चों को जन्म दिया था। बर्थ मीन्स होता है जन्म देना। He started spending his free time with them. उसके बाद क्या होता है, वो अपना free time जो था वो उन kittens और cat के साथ बिताना शुरू कर देता है। One morning Shankar was woken up by the cat's cry. जो एक दिन होता है सुबह सुबह, शंकर किसकी आवाज से उठता है, कैट रोती है उसकी आवाज से वो उठता है। Do you know how a cat cries? क्या आप जानते हैं cat कैसे रोती है। He ran towards the courtyard. और वो अपने आंगन की तरफ भागता है। He saw that the cat was crying and cuddling its three kittens. और फिर वो देखता है कि जो कैट थी वो रो रही थी, और cuddling means होता है गले लगाना, अपने थ्री जो किटन्स थे उसके, उनको ऐसे गले लगाकर ऐसे रो रही थी। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, और उनमें से एक किटन मिसिंग था। He went outside and found Malini petting a cat.
किटन, वो बाहर जाता है और देखता है कि जो मालिनी थी वो एक किटन को ऐसे थपथपा रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, और शंकर मालिनी को अपने आंगन में बुलाता है। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, मालिनी उस बिल्ली को रोते हुए देखती है। What do you think मालिनी would have done? आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया होगा? तो आंसर में अपन लिखेंगे मालिनी would have taken the kitten to its mother। मालिनी ने जो किटन थी वो उसकी मम्मी से ली होगी। भोली इज मीनू स्काउ, जो भोली थी वो मीनू की गाय थी। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली, जो और जो मीनू थी वो भोली को डेली फील्ड में लेके जाती थी, मीन्स घास वाले गार्डन में लेके जाती थी चरने के लिए, चराने के लिए, सॉरी। ग्रेज मीन्स होता है चरना, तो वो अपनी गाय को लेकर जाती थी जिससे वो वहां जाके खा सके। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग, एक दिन क्या होता है तेजी से स्कूटर आता है और उसके भोली की जो लेग होते हैं उनको हार्म कर देता है जिससे भोली हर्ट हो जाती है। द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और जो उसका घाव था उसमें से बहुत जोर से ब्लीडिंग मीन्स होता है खून निकलना, बहुत जोर से ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब बहुत सारा ऐसे खून निकल रहा था उसका। व्हाट विल पीपल इन मीनूस फैमिली डू, जो मीनू की फैमिली के जो लोग थे अब वो क्या करेंगे? तो आंसर में अपन लिखेंगे मीनूस फैमिली वुड वॉश बोलीज वाउंड विथ वॉटर एंड पुट मेडिसिन ऑन द वाउंड। अब क्या करेंगे वो लोग, उसके पहले जो घाव है उसको धोएंगे, उसके ऊपर फिर क्या करेंगे मेडिसिन को लगाएंगे। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, जो चंदू धोबी था वो अपने डंकी की केयर बहुत अच्छे से करता था। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, और डंकी भी जो था वो भी उसका बहुत सारा काम करता था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। फिर अब आपको इस पिक्चर्स में देखना है कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या क्या करता था। फर्स्ट पिक्चर में अपन को क्या दिख रहा है कि वो उसको नहा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे ही बाथेस हिज डोंकी, वो अपने डोंकी को नहा रहा है। सेकंड में क्या कर रहा है, वो उसको ग्रास खिला रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे फीड्स हिम ग्रास टू ईट, वो उसको ग्रास दे रहा है खाने के लिए। थर्ड में वो उसको पानी पिला रहा है, तो अपन लिखेंगे गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक। एंड थर्ड में वो क्या कर रहा है, उसको माला पहना रहा है, माला मीन्स होता है गार्लैंड, तो अपन लिखेंगे पुट्स अ गार्लैंड ऑन हिम। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन, क्या आपके पास या आपके नेबरहुड में किसी के पास पेट है तो कौन सा? यस आई हैव अ पैरट। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, और अगर आपके पास पैरट के अलावा कुछ और भी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आपने अपने पेट को क्या नेम दिया, आपको यहाँ पे वो लिखना है। जैसे मेरे पेट का नाम लियो है तो मैंने वो लिखा। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, आप क्या करते हैं जब आपका पेट भूखा होता है, हंग्री मीन्स भूखा। When she is hungry, I give her grains to eat. Means जब वो जो पैरोट है उसका नेम लियो है, तो जब वो हंग्री होती है, मतलब जो जब वो भूखी होती है तो हम उसको क्या देते हैं, ग्रेन्स देते हैं खाने के लिए। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको ठंड लगती है गर्मी लगती है तो हम उसको अपने रूम के अंदर ले आते हैं। टीज्ड बाय समवन, जब उसको कोई परेशान करता है, टीज मतलब होता है परेशान करना, आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, फिर हम क्या करते हैं उस पर्सन को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो। हर्ट, जब उसको लग जाती है या वो हर्ट हो जाती है, आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वाउंडेड एरिया, उसका जो वाउंडेड एरिया होता है उसके ऊपर मेडिसिन को लगाते हैं।
We keep some pet animals at home. We look after them too. हम अपने घर में कुछ animals रखते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. In the table below are some of the names of some such animals. Complete the table. यहाँ पे कुछ animals के name दिए हुए हैं. अपन को table को complete करना है. अपन को यहाँ पे two columns दिए हुए हैं. Name of the animal. What do we? Why do we keep them? हम उनको क्यों रखते हैं और उस एनिमल का नेम. तो फर्स्ट है डॉग. डॉग को क्यों रखते हैं? It provides security. वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. काउ को अपन क्यों रखते हैं? It gives milk. वो मिल्क देती है. Horse. It pulls the cart. वो कार्ट को खींचता है. Ox helps in plugging the field. Ox क्या करते हैं? जो फील्ड होता है मींस जो खेती किसानी वाले लोग होते हैं उनकी बहुत हेल्प करता है वो उनके फार्म में और उनके फील्ड में. हैन, हैन क्या करती है? लेज एग्स, एग्स को देती है. फिश इज बिलीव्ड टू ब्रिंग फॉर्च्यून. फॉर्च्यून मींस होता है भाग्य. कुछ लोग इसको अपने फॉर्च्यून के पर्पस से रखते हैं. कैट और रैबिट. कैट और रैबिट को अपन क्यों रखते हैं? वी लव इट. हम उनको पसंद करते हैं. हनी बी गिव्स हनी. हनी बी क्या करती है? अपन को हनी देती है. बर्ड बाथ. अब आपको क्या करना है यहाँ पे? टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइट माउथ. आपको अब क्या करना है? एक पॉट लेना है जिसका मुंह काफी ज्यादा बड़ा हो. टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर. आपको उसको ऐसे टांगना है जैसे पिक्चर में दिया है. पोर सम वॉटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस. आपको उसमें पानी भरना है और उसको या तो आप किसी भी ब्रांच पे लटका सकते हैं पेड़ के, या फिर आपके घर के बाहर जो हुक होगा उस पर लटका सकते हैं बालकनी में या घर के गेट के बाहर कहीं पर भी. और उसमें आपको क्या करना है? डेली वाटर को चेंज करना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने सारे बर्ड्स वो पानी पीने आते हैं. Like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of three such things. जो animals होते हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है जीने के लिए. और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको और animals को लगती हैं, हमेशा लगती हैं, required होती हैं, means जरूरत रहती है जिनकी. तो ऐसी तीन चीजों के नेम लिखना है अपन को. तो थ्री सच थिंग्स आर वाटर, एयर एंड सनलाइट. ऐसी थ्री चीजें जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है वो कौन कौन सी हैं? पानी, हवा और सनलाइट. यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट. यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अपन बहुत सारी वैरायटी के फूड खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. सिमिलरली क्या होता है? एनिमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड को खाते हैं. हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल को कुछ खिलाया है और किसी और को खिलाते हुए देखा है? इफ यस देन फिल इन द टेबल. अगर हाँ तो आपको आगे जो टेबल दिया है उसमें आपको फिल करना है कि एनिमल के नेम करना है फर्स्ट वाले कॉलम में जिसको आपने खिलाया है, और आपने क्या खिलाया उनको वो आपको सेकंड कॉलम में करना है. फर्स्ट इज डॉग. डॉग को क्या खिलाते हैं अपन? बिस्किट्स और पेडिग्री. कैट को दूध, तो अपन लिखेंगे मिल्क. काउ ग्रास और ग्रेन्स. रैबिट कैरट्स एंड बिस्किट्स. पीजन ब्रेड क्रम्स और बिस्किट क्रम्स. क्रम्स मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े. अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू यू फीड दीज एनिमल्स? आप ये एनिमल्स को क्यों खिलाते हैं? सो आंसर इज वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे टू फील हंग्री. हम उनको इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उनको भी भूख लगती होगी. विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? सबसे ज्यादा किस एनिमल को खिलाते हैं बच्चे? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फेड डॉग्स. सबसे ज्यादा डॉग्स को खिलाते हैं बच्चे. व्हाट डिड दे फीड? वो क्या खिलाते हैं? दे फीड पेडिग्री, मीट,
एंड बिस्किट्स, पेडिग्री खिलाते हैं, मीट खिलाते हैं और बिस्किट्स खिलाते हैं। अब आपको यहाँ पे 13th क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। आपको फाइंड आउट करना है कि अपन को जो ब्लू बॉक्स में एनिमल्स दिए हैं ये क्या खाते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है अपन को रैट, तो आप एक काम करिएगा, अपनी नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाइएगा, उसमें फर्स्ट कॉलम में आप लिखिएगा एनिमल्स एंड सेकंड कॉलम में व्हाट दे ईट। तो फर्स्ट कॉलम में आपने जो बनाया उसमें आप लिखिएगा रैट और उसके आगे आप लिखिएगा वो क्या खाते हैं, ग्रेन्स एंड लेफ्ट ओवर फूड, ग्रेन्स को खाते हैं और बचा हुआ जो खाना होता है उसको खाते हैं। फिर कॉकरोच लिखिएगा, उसके आगे आप लिखिएगा स्मॉल इंसेक्ट्स, वो क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। नेक्स्ट इज पिग, पिग क्या खाती है, गार्बेज। फिर फोर्थ इज बैट, बैट मीन्स होता है चमगादड़, वो क्या खाता है, ब्लड। नेक्स्ट इज स्क्वेरल, स्क्वेरल क्या खाती है, एनी काइंड ऑफ फूड आइटम, कुछ भी फूड आइटम खाती है वो, मतलब उसको कुछ भी दे दो वो खा लेती है। नेक्स्ट इज मंकी, मंकी क्या खाता है, वो भी सब कुछ खा लेता है, पर उसको जो भी देते हैं। क्रो, क्रो में भी आप लिखेंगे एनीथिंग, सॉरी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम। एंड स्पाइडर में आप लिखेंगे, स्पाइडर क्या खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है। एंड लिजार्ड किसको खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को। ये टेबल आपको कंप्लीट करना है अपने फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट है आपका थिंक, हैज एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी मर्जी के बिना किसी एनिमल ने आपका खाना खा लिया हो, अगर ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हु ईट्स वॉट, मैच बाय ड्रॉइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से करना है, यहाँ पे मैंने एक ही कलर से कर दिया है। तो कौन सा एनिमल क्या खाता है, फॉर एग्जाम्पल अपन को एक और एक दिया हुआ था ऑलरेडी, ग्रास, गोट। गोट क्या क्या खाती है, ग्रास खाती है, चपाती खाती है, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स भी खाती है वेजिटेबल्स भी खाती है। वैसे यहाँ पे अपन को नेक्स्ट दिया हुआ है लिजार्ड, तो लिजार्ड किसको खाती है, एंट को एंड मस्किटोज को, मींस वो किसको खाती है, चीटी को और मॉस्किटोज मींस मच्छर। फिर है आपका स्नेक, स्नेक किसको खाता है, स्पैरो एंड रैट। ऐसे ही करके यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, आप देख के कर लीजिएगा। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, आपको यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, यू कैन नॉट टच। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, जिनको आपने टच किया हुआ है, जिनको आपने सेकंड में दिया है, जिनको आपने टच नहीं किया है बट आप टच कर सकते हैं, और थर्ड में आपको दिया है जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो आपने टच किन किन किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है पिजन, डॉग, कैट, काउ, ये तो सभी ने टच किए होंगे, और जिनको आपने टच नहीं किया है बट आप टच करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो वो कौन से एनिमल्स हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो, रैबिट। और ऐसे एनिमल्स जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हैं लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक। अब अपन को यहाँ पे दिया है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अप, ईट अस अप। यहाँ पे दिया है अपन को कि अपन कुछ एनिमल्स के पास इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि अपन को डर लगता है कि कहीं वो अपन को काट ना लें, अपन को हार्म ना करें या फिर कहीं अपन को खा ना लें। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हुम वी कैन टच, आपने देखा होगा कितने सारे एनिमल्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। दीज ऑफन लिव इन आर हाउसेस और अराउंड अस, ये एनिमल्स अक्सर हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं या फिर हमारे घर में पाए जाते हैं। ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हमको बहुत हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे अपन को एक क्वीन के गार्डन के बारे में दिया हुआ है, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और अपनी क्लासरूम में डिस्कस करना है। द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द
क्वींस गार्डन। जो गार्डनर होता है वो क्वीन के गार्डन में से मैंगोस को लेकर आता है। तो क्वीन क्या बोलती है, सो मैनी मैंगोज, गुड, बहुत सारे मैंगोज हैं, अच्छी बात है। योर मजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। वो बोलता है कि ये डबल अमाउंट में होते ये जो मैंगोज हैं अगर इनको बर्ड्स नहीं खाती। What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? अब वो बोलती है, क्या कह रहे हो तुम? Birds ने mangoes को खा लिया, तुमने उनको allow ही क्यों किया? Means permission ही क्यों दी garden में आने के लिए? वो बोलता है, please forgive me. I will not let any bird come into the garden. मुझे माफ कर दीजिए, forgive means होता है माफ कर दीजिए, मैं next time किसी भी बर्ड को नहीं आने दूंगा। Fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from eating the garden? और कम मैंगो है लास्ट ईयर से, तुमने बर्ड्स को रोका क्यों नहीं आने से गार्डन में? तो वो ये किससे बोलती है, गार्डनर से बोलती है। फिर वो बोलता है, I stopped them, your majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insect have eaten the mangoes. अब वो क्या बोलता है कि मैंने किसी भी बर्ड को अंदर नहीं आने दिया, पर जो इस बार मैंगोज हैं वो बर्ड्स ने नहीं इंसेक्ट्स ने खाए हैं। फिर वो क्या बोलती है, इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। वो वापस से ये बोलती है कि अगर हमने बर्ड्स को अलाउ किया होता आने से, तो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खा जाती और हमारे मैंगोज का नुकसान नहीं होता। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो, सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।